everyone and welcome back to my channel Tips and Tricks. I'm Pooja, hope you all guys are doing well. If you are new to my channel, make sure you subscribe down below and hit the bell icon ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे. तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है. येस, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि प्लीज़ हमारी ऑयली स्किन है और हमें प्लीज़ इसके लिए कोई होम रेमेडी बताएँ. तो अगर आप या फिर लड़का हो या फिर लड़की, सब लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं और सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ऑयली स्किन की. तो ऑयली स्किन की वजह से हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल्स, मुहासे आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन बहुत ख़राब लगने लगती है. और लड़कियों को तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उनकी ऑयली स्किन है तो कोई भी मेकअप लगाती हैं तो लॉन्ग स्टे नहीं करता है, बहुत ज़्यादा पैचेस आ जाते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद. वो तो उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैं आज एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आई हूँ. आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी सारी नॉलेज हो जाए कि अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से आपकी स्किन ऑयली है तो यस, इन सारी होम रेमेडीज से आपकी सारी स्किन के प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस लगेगी. तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको एक ऐसा फेस वॉश लेना है जो सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए ही हो. यस, आपको कोई भी अदर फेस वॉश नहीं यूज़ करना है अपनी स्किन पे. तो मैं आपको एक सबसे अच्छा और अफोर्डेबल एक फेस वॉश सजेस्ट करती हूँ. ये पॉन्ड्स का एक्टिवेटेड चारकोल. वैसे तो चारकोल हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. इसके मास्क भी आते हैं और बहुत सारे फेस वॉश भी अदर ब्रांड्स में भी आते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग परचेज़ नहीं कर पाते हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं एक अफोर्डेबल एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश फॉर दी ऑयली स्किन तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, अंदर से क्लीन करके एक्सेस ऑयल को भी हटाता है जिसकी वजह से आपके स्किन में एक्ने और पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस होने लगती हैं, आपकी स्किन की रेडनेस भी रिड्यूस हो जाती है और ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है. तो सेकेंड स्टेप है कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है आपको. यस, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मॉइस्चराइज़र आपको एक ऐसा लेना है जो ऑयल फ्री हो. यस, जिसमें ऑयल बिल्कुल भी ना हो और आपकी स्किन को वो मॉइस्चराइज़ भी करे और बिल्कुल भी आपकी स्किन ऑयली ना लगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो. तो मैं एक निविया का रिकमेंड करना चाहती हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है और ऑयल की प्रॉब्लम होती है तो मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ. ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है. ये मेरी स्किन पे एक्सेस ऑयल नहीं करता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मेरी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, बहुत ही सॉफ्ट बनाता है और मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो अगर आपको भी एक ऐसा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव, अगर आपको एक्सपेंसिव चाहिए तो आप एक न्यूट्रोजिना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने वो भी यूज़ किया है और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो ऑयली स्किन वालों के लिए एक बहुत अच्छा फेस पैक मैं सजेस्ट कर रही हूँ. ये फेस पैक इससे बनाना है आपको सैंडलवुड पाउडर से. यस, सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन का पाउडर, जो कि चंदन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसमें एंटी बैक्टीरियल और बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करते हैं और सॉफ्ट बनाते हैं और आपकी स्किन में होने वाले एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करते हैं और बहुत ही अच्छा है ये आपकी स्किन के लिए. अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो आप फुलर अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए. बट अगर आपके पास चंदन पाउडर है तो मैं ये ज़रूर प्रेफर करूँगी, ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए. आपको लेना है एक चम्मच चंदन पाउडर, उसमें थोड़े सा हल्दी डालना है एक चुटकी और उसको रोज़ वाटर से मिक्स करके अपनी पूरी स्किन पे लगाना है. ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और सूखने के बाद उसे ठंडे पानी से वॉश कर देना है. तो अगर आपको कोई फेस वॉश सूट नहीं करता है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको कोई भी फेस वॉश मार्केट का यूज़ करने के बाद रेडनेस हो जाती है और आपकी स्किन टाइप भी सेंसिटिव और ऑयली है तो आपको एक फेस वॉश में होम रेमेडी वो बताने वाली हूँ. आपको लेना है एक चम्मच हनी, उसमें डालना है थोड़ा सा टर्मरिक और हल्का सा लेमन डालना है. लेमन उसके बाद आपको उन सारी चीज़ों को मिक्स करके अपनी फेस पे अप्लाई करना है. ज़रा सा मसाज करके बस 20-25 सेकंड तक मसाज करने के बाद एक दो मिनट के बाद फिर धो लीजिए ठंडे पानी से. आपकी स्किन के लिए वो बेस्ट फेस वॉश रहेगा. आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए और ये मेरी सारी होम रेमेडीज़ और मॉइस्चराइज़र और मेरा फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आपकी ऑयली स्किन है. तो ये कंप्लीट वीडियो है फॉर दी ऑयली स्किन. इसके बाद आपको अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करें, आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगाएं या फिर आप कौन सा फेस पैक लगाएं. ये कंप्लीट एक ऑयली स्किन वालों के लिए है
और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको स्क्रब हफ्ते में सिर्फ एक बार ही करना है, और आप होममेड स्क्रब कर सकते हैं, लाइक चावल का आटा और दही लगा के आप उसको स्क्रब कर सकते हैं अपने फेस को, बट आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ये करना है। और ये सारी मेरी होम रेमेडीज़ को आप यूज़ करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।